हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक जबरदस्त गाड़ी लेके आया हूँ और जबरदस्त गाड़ी का भी बेस वेरिएंट लेके आया हूँ। ये है टाटा की नेक्सॉन 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन के साथ आता है और ये है बेस वेरिएंट जिसको कहते हैं स्मार्ट। और इसके अंदर क्या क्या चीजें ऑफर होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई मेरे हिसाब से ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें चाहिए होती है एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए वो सारी आती है। ये है ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट, तो आप सोच सकते हो कि यार बेस वेरिएंट से ही गाड़ी ऑटोमेटिक दे रही है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो भाई सब बेस वेरिएंट जो है वो 8,14,000 एक्स शोरूम, 9,14,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। सबसे पहले भाई आप देख सकते हो इसके अंदर जो है वो आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं, प्लस इंडिकेटर का काम ये करते हैं। हेडलैम्प की बात करें तो एलईडी वाला यूनिट आता है, एक ही यूनिट आता है इसके अंदर, लो बीम हाई बीम यही मिल जाएगा आपको। फॉग लैंप इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आते हैं। वहां वहीं पे पियानो फिनिश में आपको इसकी ग्रिल मिलती है जो कि कनेक्टिंग है एक डीआरएल से दूसरे डीआरएल तक, और बीच में बड़ा सा जो है वो टाटा का लोगो भी आता है। वहीं बात करें नीचे वाली ग्रिल की तो भाई वो मैट फिनिश में आपको मिलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा विजिबल है, जो इसका हॉर्न भी है, एसी का जो कंप्रेसर है वो भी आपको विजिबल है यहाँ पर। बाकी एसएच फ्रंट में आप देख सकते हो ओवरऑल इसका लुक काफी ज्यादा मैच हो ये गाड़ी मुझे लगती है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। तो इसका टायर जो है आपको स्टील रिम मिल जाता है और प्रोफाइल जो है वो 195/60 R16 inches का आपको इसके अंदर टायर मिलता है। आप यहाँ पे देखिए बड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको मिल जाएगी जो कि कनेक्ट करती है फ्रंट टायर से लेके बैक टायर तक जाती है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है वो क्लैडिंग भी आपको साइड में मिल जाएगी। बाकी ओआरवीएम की बात करेंगे, ओआरवीएम जो है वो ग्लॉसी में आपको मिलेगा, वहीं पे इसी के इंडिकेटर्स भी साथ में इंटीग्रेटेड इसके अंदर मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो मैट फिनिश ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स इसमें मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, बट वो सही है क्योंकि ब्लैक के साथ ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है व्हाइट कलर। और बाकी ओवरऑल प्रोफाइल की अगर बात करोगे तो आप देख सकते हो ओवरऑल प्रोफाइल वही वाला है जो पहले वाली नेक्सॉन में आता था, कुछ भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। अब रेयर प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले शार्क फिन एंटीना आपको मिलेगा, स्पॉइलर आपको मिल जाता है, स्टॉप माउंट लाइट नहीं आती है, ना ही कोई डिफॉगर आता है, कनेक्टिंग टेल लैंप भी नहीं आती, एलईडी सेटअप के साथ आपको ये वाली लाइट जरूर मिल जाएगी जो कि एलईडी है, ब्रेक लाइट और नॉर्मल जो लाइट आती है। बाकी अगर रिवर्स आप करोगे तो आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी, बाकी लोगो आपको मिल जाएगा नया वाला, और नीचे नेक्सॉन की बैजिंग है। दो पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं, बम्पर जो है वो आपको मैट फिनिश में मिलेगा, बाकी रिफ्लेक्टर्स भी आप देख सकते हो दोनों ही साइड्स में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीजें ये गाड़ी ऑफर करती है। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर दो की आती है, एक की आती है जो नॉर्मल इस तरीके की लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प, और दूसरी जो है वो बिल्कुल ही मैनुअल की आती है। तो अंदर जाने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा और गाड़ी खुल जाएगी, और यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा सीट के अंदर। और डोर पैनल से अगर मैं बात करूंगा तो डोर पैनल आप देखोगे कंप्लीटली ब्लैक है, मैट फिनिश में मिलेगा, चारों पावर विंडोज मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पहले जो था बेस वेरिएंट में नहीं मिलता था, बट इसके अंदर पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, ओआरवीएम को अंदर से ही एडजस्ट करने के लिए भी आपको मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर और अंदर क्या क्या चीजें ऑफर होती है उसके बारे में बात करते हैं। कि मैंने आपको बोला कि ये बेस वेरिएंट है और नेक्सॉन स्मार्ट वेरिएंट है और ये है एएमटी के अंदर, तो आप देखिएगा सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल ही है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आरपीएम और राइट हैंड साइड में जो है वो इंफॉर्मेशन देगा फ्यूल की और कितना हॉट एंड कितना कूल है, बाकी स्पीडोमीटर बीच में है और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाती है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि भाई कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज है, सीट बेल्ट लगी है नहीं ले, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर आप बात करेंगे इसके स्टेयरिंग व्हील की तो काफी अच्छा है, वही वाला है जो इसमें आता है, और यहाँ पे कंट्रोल है, एंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है, छोटा है लेकिन अच्छा है इसका टच जो है, साउंड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। बाकी राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए बटन दिया हुआ, ये कोई क्रूज कंट्रोल नहीं है। इसका जो लेआउट है डैशबोर्ड का वो काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम बनाते हैं, हालांकि ब्लैक कलर है और बट लेकिन अलग अलग टेक्सचर है, यहाँ पे अलग डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा, फिर यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, फिर अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। बाकी एसी कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, मैनुअली है, और यहाँ पे जो है वो बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन है, और यहाँ पे जो है वो आपको चारों इंडिकेटर्स अगर जलाने वहां यहाँ मिल जाएगा। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। बाकी इसका लीवर है जो इसका ऑटोमेटिक ड्राइव का लीवर है वो काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम ये लगता है, एक अलग सी डिफरेंट सी लुक देता है। बाकी यहाँ पे तीनों मोड्स के लिए आपको डायल मिल जाएगा जिसमें सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड को आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे दो कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक का लीवर भी आपको मिल जाता है। बाकी सीट की कुशनिंग की बात करें काफी सॉफ्ट है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट दिया गया, उसको उठाया गया ताकि आपकी
थाइस को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जा सके। कुशनिंग अच्छी है और सपोर्ट भी आप काफी अच्छा है, होल्ड करके रखती है, चाहे वो बैक सपोर्ट की बात हो चाहे वो थाई सपोर्ट की बात हो। और हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेड है तो वो भी काफी अच्छा है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप इसमें लॉन्ग जर्नीज भी करेंगे तो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी आईआरबीएम की बात करेंगे तो आईआरबीएम बिल्कुल मैनुअल है, इसमें कोई डे एंड नाइट आपको नहीं मिलता है। वैनिटी मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर साइड में आपको मिलता है, ड्राइविंग साइड में कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। बाकी लाइट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, व्हाइट कलर का बल्ब है और अच्छा है, मतलब ऊंचा फील होता है बैठने में। बोनेट है वो क्लियरली विजिबल है यहाँ से, 5'7" मेरी हाइट है, उसके बाद भी क्लियरली अच्छा खासा विजिबल है। आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स को ओपन करने का यहाँ पे बटन है, इसको आप जब खोलेंगे तो काफी बड़ा सा ग्लव बॉक्स आपको दिखेगा जिसमें काफी अच्छा खासा स्पेस है। कंपार्टमेंट्स अलग अलग नहीं है लेकिन अच्छा खासा स्पेस है। बाकी यहाँ पे आप दो कॉपी यहाँ पे इजीली रख सकते हो। डोर के अंदर ही आपको बॉटल रखने के लिए भी स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो और इस तरफ को आप अम्ब्रेला लगा सकते हो। बाकी थोड़ा सा स्पेस और है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आप कॉइन रखने के लिए काफी अच्छा खासा स्पेस इसमें मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं कितना स्पेस और क्या क्या चीजें इस गाड़ी के अंदर आती है। नेक्सॉन स्मार्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री पे दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर आपको मैट फिनिश में ही और पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर इसका मिलेगा डोर पे भी, और ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है कॉइन्स रखने के लिए और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल ऐसे लटा के आप रख सकते हो। तो अब जब आप अंदर आओगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए क्योंकि गाड़ी ऊंची है, बट लेकिन थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आप देखिए मेरे लेग्स जो है वो आराम से कंफर्टेबल ही है और लेग रूम की भी कोई कमी नहीं है। कुशनिंग काफी अच्छी है, अगर मैं इजीली कंफर्टेबल होकर बैठना चाहता हूं तो बैठ सकता हूं और बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और अगर मेरे को हाथ रखना हो तो मैं यहाँ पे अपना हाथ भी रख सकता हूं और लॉन्ग जर्नीज में कंफर्टेबली बैठ के जा सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होने वाली है नहीं। बाकी सीट में ज्यादा कुछ ऑफर होता नहीं है, बीच में कोई भी आपको आर्मरेस्ट या कप होल्डर्स वगैरह नहीं मिलते, दो ही एडजस्टेड हेडरेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप देख सकते हो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी बीच वाले पैसेंजर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है क्योंकि हल्का सा पीछे को किया हुआ है यहाँ पे ये, तो उसकी वजह से। बाकी हम्प है बड़ा सा जिसमें बीच वाले पैसेंजर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी एसी वेंट्स नहीं आते लेकिन थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल सकता है, मेरे ख्याल से आप मोबाइल फोन रख सकते हो या कुछ भी आपको सामान रखना है वो थोड़ा सा आप रख सकते हो यहाँ पे। और बाकी जो फील है वो अच्छा है, हेडरूम भी काफी अच्छा है, 6 inches के आसपास मेरे को हेडरूम मिल रहा है, 5'7" मेरी हाइट है जस्ट फॉर रेफरेंस, और 6 standard जो एयरबैग्स है वो तो आ ही गए हैं, 5-star रेटिंग इसकी है ही सेफ्टी की अगर बात करोगे तो ये सारी चीजें हैं। और अब बूट स्पेस जो है वो देख लेते हैं क्योंकि बूट स्पेस भी काफी बड़ा है नेक्सॉन का। भाई एक कमी क्या है, आप इसके बूट को यहां से अनलॉक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, गाड़ी को खोलना पड़ेगा और यहाँ पे इसका बूट ओपन करने के लिए बटन है तो इसको आप प्रेस करोगे तब बूट खुलेगा। तो यार ये बड़ा नेगेटिव है यार नेक्सॉन का। तो आप चलते हैं भाई इसके अंदर, बूट को आप खोलोगे तो आप देखोगे 382 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस है, काफी ज्यादा बड़ा बूट स्पेस है, और यहाँ पे 3 kgs के 2 hooks भी हैं यहाँ पे इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो दोनों साइड में आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर कुछ होल्ड करना हो जैसे बॉटल वगैरह या कोई लिक्विड ले जाना हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो एक्जैक्टली सेम साइज का स्पेयर व्हील है जिसका प्रोफाइल है 195/50R 16 inches का, और जो उसके टूल्स वगैरह वो भी यहाँ पे दिए हुए, तो अच्छा खासा है बूट स्पेस भी और स्पेयर व्हील आप देख सकते हो सब कुछ मिल रहा है इजिली। तो भाई ये था ओवरऑल वीडियो नेक्सॉन के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जो कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।